शांति। आज की तारीख है 31/10/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करो तब कहेंगे मातेले बच्चे, माना सगे बच्चे। तो इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता कि हमारा धन, हमारा पति, हमारा घर, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद ध्यान से सभी जो भी बाबा के अपने को समर्पित बच्चे समझते हैं या कहते हैं या मानते हैं, वो ध्यान से ये बात सुने कि बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। हाँ, हम सब की बाप से सगाई हुई है तो हमारी कच्ची सगाई मानी जाएगी। उन्हें फिर सौतेला कहा जाता है। ये सुनने को हम तैयार हैं कि हम शिव बाबा के सौतेले बच्चे हैं? हरगिज नहीं। अच्छा, गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार दो बातें। नंबर एक है, एक के साथ सर्व संबंध रखकर बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है और बुद्धि योग को भी भटकाना नहीं है, एक में स्थित करना है। नंबर दो है, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई इस अहंकार में नहीं आना है। मुरलीधर जरूर बने हम, किसके समान? बाप समान। परंतु बाबा हमें सावधान भी करते हैं कि मैंने अच्छी मुरली चलाई ऐसा संकल्प अहंकार का भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना है। बादल भर करके वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर को जमाना है। हाँ, बादल बनके मधुबन में जाने का, ज्ञान वर्षा से बादल को भरने का, भरने के बाद सेंटर पर जा करके और फिर उसको जमाना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसी मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज दिखाती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाजे से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा भी देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर के देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर ऐसे भिन्न भिन्न पोज हैं जो, उसे परिवर्तन करो तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी को बांटती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।